नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी कायम है। अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार के 5 महान शिक्षक को आज नमन है, जिन्होंने दुनिया में बिहार का मान बढ़ाया है। जिसमें सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, गुरु दक्षिणा वाले आर के श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञानी एच सी वर्मा, खान सर बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभियानंद, ऐसे नाम है जिन्होंने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली के पहले कोच राजकुमार शर्मा थे। विराट कोहली ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो राजकुमार शर्मा उनके पहले कोच थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी के कोच राजू थे, जिन्होंने उन्हें स्कूल के दिनों में ट्रेन किया था। जिनके रहने को प्रवीण आमरे ने कोचिंग दी थी। आज शिक्षक दिवस पर इन सभी शिक्षकों को नमन है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के बेटे प्रमोद भगत ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड जीत लिया है। मेडल जीतने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। हालांकि आपको बता दें कि प्रमोद भगत बचपन से ही पैसे की तंगी का सामना करते रहे और उनकी बुआ ने उनको गोद भी लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल यानी कि 4 सितंबर को जारी किए गए आंकड़ों की तुलना में 0.3% अधिक है। सबसे इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,29,88,673 पर पहुंच गया है। वहीं बीते एक दिन में 308 लोगों की जान गई है। ईटीवी भारत के रीजनल एडिटर सचिन शर्मा से बात करते हुए पशुपति पारस ने बताया कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष के सामने हमने 13 जून को 5 सांसदों ने हस्ताक्षर करके उनसे आग्रह किया कि हमारी पार्टी के में लोकतंत्र खत्म हो गया है और प्रजातंत्र में नेता परिवर्तन का अधिकार है। जिसके बाद स्पीकर ने अपना सचिव को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि इसकी जाँच किया जाए। पुरुषों के सिंगल S6 क्लास में कृष्णा नागर ने पीला तमगा हासिल किया है। नागर के मेडल जीतने पर बधाइयों का तांता लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नागर की सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम अपने हक को लेकर रहेंगे। जदयू ने अवैध कब्जा कर अपने पार्टी कार्यालय का निर्माण किया है। 3 नंबर की पार्टी को इतना बड़ा कार्यालय है और 1 नंबर की पार्टी का इतना छोटा कार्यालय है। राजद में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आते हैं। सूबे की एनडीए सरकार विपक्ष के साथ नाइंसाफी कर रही है। भारत के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रघुनाथ रामचंद्र चंदोरकर का निधन हो गया है। वो 100 साल के थे। उनके पोते और पिंपरी चिंचवट नगर निगम के आयुक्त श्रवण हरदरकर के अनुसार उन्होंने अंबरनाथ में आखिरी सांस ली। नुसरत जहां ने एक पोस्ट शेयर कर अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी है। नुसरत जहां के फैन पेज में बॉयफ्रेंड यशदाश के साथ उनके खास पलों का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी। इस वीडियो को न सिर्फ एक्ट्रेस ने लाइक किया है, बल्कि उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट भी किया है। फिलिपिन ने भारत और 9 अन्य देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को समाप्त कर शनिवार को यह निर्णय सुनाया है। राष्ट्रपति भवन ने यह घोषणा की है। समाचार पत्र द मनीला टाइम्स ने अपने एक खबर में कहा कि यात्रा प्रतिबंध हटाने की घोषणा ऐसे वक्त में की गई जब देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। सरकार चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजना भारतीय फुटवेयर चमड़ा और सहायक सामान विकास कार्यक्रम को 1700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 2025-26 तक बढ़ा सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसमें विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को और प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ IFLADP के क्रियान्वयन का प्रस्ताव सौंपा है। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने निपाह वायरस संक्रमण जैसे लक्षण देखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार ने निपाह के संदिग्ध संक्रमण की सूचना मिलने के बाद शनिवार देर रात स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में भारतीय बाजारों में शुद्ध रूप से 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस दौरान FPI ने मुख्य रूप से ऋण या बॉन्ड बाजार में निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 2 से 31 अगस्त के दौरान FPI ने शेयरों में मात्र 2,082.94 करोड़ रुपए डाले। राम भक्तों के लिए IRCTC एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। IRCTC धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 नवंबर से रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन चलाने जा रही है। इस ट्रेन के जरिए भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन में 7500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में पूरी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थोड़ी देर में किसान महापंचायत शुरू होने के बाद ही किसान महापंचायत के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर में जुट गए थे। किसान नेता राकेश टिकैत के गढ़ पश्चिमी यूपी में हो रही इस महापंचायत का मकसद यूपी चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करना है।
केंद्र सरकार गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी में है। अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हॉर्न की आवाज को इरिटेटिंग से सुखद बनाने के लिए नए नियमों पर काम कर रहे हैं। टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खास खबर है। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में हुई 45वीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन की पहली करोड़पति बनी हिमानी बुंदेला की हाल ही में बड़ी इच्छा पूरी हुई है, जिसके तहत सिंगर जुबिन नौटियाल उनसे मिलने पहुंचे। जुबिन अपना वादा पूरा करके हिमानी के घर पहुंचे और उन्होंने हिमानी को सरप्राइज भी दिया। जुबिन ने यह सरप्राइज हिमानी की बहन के साथ मिलकर प्लान किया था। बीते सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2005.23 अंकों को जबरदस्त उछाल के साथ ही अब तक के सर्वकालिक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 58,129.95 अंक के स्तर पहुंच गया। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 631.35 अंकों के उछाल के साथ अब तक उच्चतम स्तर 173,336.55 अंक पर पहुंच गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने तुर्की की संस्कृति और पर्यटन मंत्री मेहमत नूरी एसारी से मुलाकात की है। यह एक लंच मीटिंग थी। इससे पहले दोनों कलाकारों ने अपनी आगामी जासूसी थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 के लिए शूटिंग पूरी कर ली थी। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रपति को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लंबित पड़ी मांगों के बारे में अवगत करवाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया घोषणा से मथुरा में संपूर्ण मांस और शराबबंदी की अटकलों ने शहर के व्यापारियों को परेशान कर दिया है। प्रतिबंध के संबंध में कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है। व्यवसायों और उनकी संबंध गतिविधियों से जुड़े व्यापारियों और श्रमिकों में असमंजस की स्थिति दिखाई देने लगी है। आज अपना जन्मदिन मना रहे पंकज त्रिपाठी अपनी फिल्म 83 के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में वो भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर PR मानसिंह के रोल में दिखने वाले हैं। साल 2009 में फिल्म की शूटिंग लंदन में की जा रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो शूटिंग के पहले पंकज की तीन पसलियां टूट गई थी, फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी। शायद पंकज त्रिपाठी का ऐसा करना ही उन्हें एक बड़ा एक्टर बनाता है। पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी की बड़ी टेंशन खत्म हो गई है, जिसके तहत भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बंगाल का भवानीपुर विधानसभा वही सीट है जहां से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगे। मद्रास हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा है कि नए IT नियम गैर कानूनी सामग्री से निपटने के लिए और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी निगम 2021 यानी IT निगम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में 2 जवाबी हल्फनामा दायर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को इस बार भारतीय जनता पार्टी खास तरह से मनाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 2 दशकों को चिन्हित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान शुरू करेगी, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां शामिल होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसंधानकर्ता ने एक सर्वे सुविधा युक्त आत्मनिर्भर और मॉड्यूलर उपकरण बनाए हैं, जो सूक्ष्म जीवों को विकसित करने में मददगार होगा। समाचार एजेंसी प्रेट के मुताबिक देश में अब तक 68.37 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 52.38 करोड़ पहली और 15.99 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि इनमें से शनिवार को शाम 7 बजे तक 62.25 लाख डोज लगाई गई है। मंत्रालय के मुताबिक लाभार्थियों में सबसे ज्यादा 18 से 44 आयु वर्ग के 26.99 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली और 3.35 करोड़ लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, सिफोन ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, प्रमोद राम, सुपर बिहार, रंजीत मेहता, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, प्रद्युम्न कुमार, मुक्ति कुमार, इमरान आलम, अमित कुमार, सिद्धार्थ मिश्रा, सूरज सिंह, अरविंद सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। के अनुसार देश में अब तक के रहे प्रधानमंत्री में से सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन साबित हुए हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।